वन मैन, अ मैन हैज 53 सॉक्स। उसके पास कितने सॉक्स हैं? 53। 53 सॉक्स मतलब समझते हैं ना, बहुत सारा सॉक्स होगा, ठीक है। उसमें से 21 ब्लू कलर का है। 21 क्या कलर का है? ब्लू। 15 क्या कलर का है? ब्लैक। और 17 रेड। समझे? इतना समझे? उसके पास पूरा कितना सॉक्स है? 53 बहुत तरह का कलर का मिला के 53 है, ठीक है। 53 में से 21 ब्लू कलर का है और 15 ब्लैक कलर का है और 17 रेड कलर का है। अभी 53 हो गया तीनों को मिलाने से, 21, 15, 17 53 हो गया। प्लस करके देख लो, 21, 15 और 17 प्लस करो, 53 आता कि नहीं देखो। 21, 15 और 17 प्लस करो, ऐसा नहीं है, ऐसा नीचे लिख के प्लस करो। 53 आता कि नहीं? इसका आंसर क्लास टू वाले देंगे मुझे, क्लास वन वाले नहीं, क्लास टू वाले देंगे। 53 हुआ कि नहीं? हुआ 53? कितना दे? 53 हुआ? यस। अभी उस आदमी के पास कितने सॉक्स थे? 53। उसमें से 21 क्या कलर के थे? ब्लू। 15 ब्लैक। 17 रेड। अभी मेरा क्वेश्चन है, उसको आंख में पट्टी बांध के, ठीक है, उसको हम बोली, कोई भी उसको बोला गया कि सॉक्स निकालो, ऐसा निकालना कि उसमें से एक जोड़ा ब्लैक कलर का होना जरूरी है, ठीक है। हाँ। तो कितना सॉक्स निकालेगा वो? तीन। कैसे निकालेगा? तीन निकालेगा तो तीनों का तीनों ब्लू भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अभी बताओ, दिमाग लगाओ। 15 निकालेगा तो 15 का 15 ब्लैक आएगा, क्या गारंटी है? रेड भी तो हो सकता है। 17 क्या गारंटी है? 17 का 17 रेड भी तो हो सकता है। हाँ बोलो। 9 क्यों? 9 का 9 सब ब्लू कलर का हो सकता है। 91 सॉक्स ही नहीं है तो 91 आप कैसे निकालेगा? जीरो मतलब तो कुछ भी नहीं निकालेगा। गलत। 24 निकालेगा तो 21 तो ब्लू हो जाएगा और 3 तो रेड आ गया तो ब्लैक कैसा आएगा? सारा का सारा उठा देगा। ऐसा निकालना कि एक जोड़ा कम से कम उसमें ब्लैक रहना चाहिए। गलत। दिमाग लगाओ। सोचो। गलत। 21 का 21 ब्लू निकल गया तो 17 का 17 रेड निकल गया तो 15 का 15 ब्लू निकल गया तो 16 का 16 ब्लू निकल गया तो सारे सॉक्स थोड़ी निकालने के लिए 20 निकालेगा तो उसमें से ब्लू निकल गया तो 20 का 20 10 का 10 ब्लू निकल गया तो 30 में 21 अगर ब्लू निकल गया और बचा वाला रेड निकल गया तो 33। हां 33 गलत। मैम आप बोल ना। हां बोलो। 34 मैम आप बोल ना। हां बोलो। रेड आर ब्लैक मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आयुष ठीक अच्छा बोल रहा है। बीच में अगर ब्लैक लग दिया हां तो हो जाएगा। सब मिला है, सॉक सब मिला है, ठीक है। सॉक आयुष बहुत नजदीक आया है थोड़ा से। हाँ सब सॉक आगे रख। हाँ अलग से निकाल के साइड रख दो। ब्लैक जो है उसको आगे रख दो। नहीं सॉक सब मिला है, सारा कलर का मिला है। दिमाग लगा अलग, आप लोग बोल सकते हैं। सोचो। हाँ ठीक है, रुक जाती है, आप लोग बोलो। मैं सॉक्स को भी सुनो, सारा सॉक्स ना मिला है,
अभी उसका आंख में पट्टी बांध कर उसको निकालो, बोले ऐसा निकालो कि उसमें एक जोड़ा ब्लैक जो सॉक्स होना ही होना है, दो तो ब्लैक कलर का निकलना ही निकलना है, एक निकाले तो रेड निकल गया, तो टू निकाले बट दोनों का दोनों ब्लू निकल गया था। नहीं गलत, 17 भी नहीं है इसका, 17 का 17 रेड निकल गया, तो 22 21 ब्लू निकल गया और एक रेड निकल गया, तो ब्लैक कब निकलेगा? 29। इसका मतलब कम निकालना कि ज्यादा निकालना? 29। पहले इतना बता मुझे, ज्यादा निकालना पड़ेगा, एक हिंट हम दे दे, थोड़ा ज्यादा निकालना। 100 सॉक्स है उधर, 55 कैसा निकालेगी? 53 सॉक्स है, 55 निकालेगी? हम 100 रुपया देने से तुम 200 रुपये का नोट देगी मेरे को? अभी सुनो, सुनो मेरा बात सुनो, एक क्लू हम देती, 15 ब्लैक है और 17, 15 ब्लैक है और 17 क्या है? रेड सॉक्स है। 15 ब्लैक और 17 रेड को हम लोगों को निकालना ही निकालना है, उसका बाकी तो आप सॉरी ब्लैक को हम लोग को चाहिए ना, तो 21 ब्लू है और 17 रेड है। सुनो ना बच्चे, 21 ब्लू है, 17 रेड है, तो हम लोग 21 ब्लू और 17 रेड को तो निकालना ही निकालना है, उसका बाद को ब्लैक आने का चांसेस है। मेरा बात सुनो ना, 47 तो आप लोग 21 और 17 कितना होता है वो बताओ? 38 होता, 38 का 38 निकाल देंगे तो आप लोग उसमें से कुछ ब्लैक भी हो सकता, ब्लू भी हो सकता, रेड भी हो सकता, नहीं पता, मगर 39 निकालेंगे तो ब्लैक, उसमें ब्लैक एक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पक्का है, ब्लैक तो रहेगा ही रहेगा। अगर 40 निकालेंगे तो उसमें ब्लैक, दो ब्लैक रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्का रहेगा। समझ आया? 47 निकालना, 40 सॉक्स जब निकालेंगे तो 15 ब्लैक सॉरी 21 ब्लू और 17 रेड अगर है भी तो उसमें तो बचा वाला दो पक्का ब्लैक होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा।